आपके एजेंसी आपके पास, ईडी आपके पास, सीडी आपके पास, सब कुछ आपके पास, पुलिस आपके पास, तो इन्वेस्टिगेशन कराओ ना। इन्वेस्टिगेशन से क्यों डर रहे हो? जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है तब जाके आई वॉश करने के लिए तुमने ये FIR तो दर्ज कर दी है, लेकिन आपने अभी तक कोई एक्शन नहीं किया। बेटियां बैठ करके यहाँ पर वो सेक्सुअल हरासमेंट का उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं और तमाम मीडिया पूरा देश दुनिया देख रहा है, और एक आदमी गुंडागर्दी करके वो बैठा हुआ है कि जी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। गुंडों से मरवा दो, गोलियाँ चलवा दो, और फिर हमारा जो गोदी मीडिया है वो बैठ करके सरकार की वाई वाई कर रहा है। सीधा संविधान के विरुद्ध ये सब काम हो रहा है। देखिए, ये तो हर आरोपी इस बात को कहता है कि मेरे खिलाफ़ जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद हैं, झूठे हैं, फॉल्स हैं, लेकिन उसको तय कौन करेगा? एक तो आरोपी आरोप लगा रहा है और एक के ऊपर एक पुलिस कंप्लेंट फाइल कर रही है, तो इसको ले जा करके कोर्ट तय करेगा कि उसे सारे एविडेंसेस देख करके, सबूत, गवाह, सारी चीज़ देख करके कोर्ट तय करेगा। और कोर्ट का आप जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं करना चाहते, उसको फेस नहीं करना चाहते, तो उसी वजह से ये यहाँ पर ये बैठे धरने पर हमारे पहलवान दूसरी बार आए हैं। पिछले 3-4 महीने में ये दूसरी बार यहाँ करके बैठे हैं। तो ये सरकार को, पहली बात तो इनको, ब्रजभूषण जी को, अगर आप ठीक हो, आप गलत नहीं हो, तो आपको पहले रिज़ाइन करना चाहिए, पहले अपने पद से रिज़ाइन करें, और उसके बाद जो ये पुलिस का कल सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बड़ा ऑर्डर किया है कि भाई दिल्ली पुलिस को कि पहले आप FIR दर्ज करो और अगले हफ्ते की डेट भी लगाइए। खुद चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं मॉनिटर करूँगा, और दूसरा इनको कहा है दिल्ली पुलिस को कि इनका सुरक्षा की जाए। हाँ जी, नहीं, आरोप लगे ना आपके ऊपर ही। देखिए, इस देश के अंदर ऐसे ऐसे भी लोग, ऐसे ऐसे देखो, इसमें आडवाणी भी थे BJP में, जब उनके ऊपर अयोध्या मंदिर का जब तोड़ने का, उसका मस्जिद तोड़ने का आरोप लगा, तो उन लोगों ने रिजाइन दिया, और जब तक उसने कोर्ट ने उनको बरी नहीं कर दिया, वो दोबारा राजनीति में उन्होंने चुनाव नहीं लड़े। ऐसे बहुत सारे हमारे नेता रहे इस देश के, चाहे किसी भी पार्टी के रहे हों, लेकिन ये नेता कैसे आ गए कि बेटियां बैठ करके यहाँ पर वो सेक्सुअल हरासमेंट का उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं और तमाम मीडिया पूरा देश दुनिया देख रहा है, और एक आदमी गुंडागर्दी करके वो बैठा हुआ है कि जी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आप जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, आप कौन हैं? अगर जज के ऊपर भी आरोप लगता है ना, तो जज को भी पूरा लीगल प्रोसेस, कानूनी न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो करना होता है। उसको भी जब तक दूसरा जज, दूसरी कोर्ट वहाँ पर, जब तक उसको या तो गिल्टी या उसको बाइज्जत बरी नहीं करेगा, जब तक कि वो अपने आप को दोषी या बेकसूर नहीं कह सकता। अरे तो भैया, आप कोर्ट, तो उन्होंने हिम्मत की है ना, उनका जब शोषण हुआ है, उनका जब शारीरिक शोषण हुआ है, उनके खिलाफ जब इस तरह की हरकत हुई है, जरूरी है कोई एक भी हो सकती है, तो एक परिवार के भी हो सकते हैं, और वो सब रेसलर हैं, वो गोल्ड मेडल लेके आए हैं, मेडल लेकर के एक परिवार के हुए हैं, तो क्या मतलब है? आप गुमराह कर रहे हैं। देखिए, ये दो महिलाओं ने अगर उनके ऊपर लगाया आरोप लगाया जी, अरे तो आपके एजेंसी आपके पास, ईडी आपके पास, सीडी आपके पास, सब कुछ आपके पास, पुलिस आपके पास, तो इन्वेस्टिगेशन कराओ ना। इन्वेस्टिगेशन से क्यों डर रहे हो? FIR तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब जा करके FIR दिल्ली पुलिस कह रही है हम कर दी हमने, लेकिन उसकी कॉपी नहीं दी है, उसकी कॉपी अगर दे दी है तो अच्छी बात है, अब उनको अरेस्ट किया जाए। और सबसे पहले तो या तो नैतिकता का आधार ये कहता है, अगर आप ठीक हो तो आप देखें, इनको तो ये बेकसूर है, यहाँ पर एक लिस्ट लटकी हुई है, ये 34-35 मुकदमे उनके खिलाफ, ब्रजभूषण जी के खिलाफ ये लगे हुए हैं, जिसमें मर्डर से लेकर के तमाम तरह के गुंडागर्दी के सारे एक्ट लगे हुए हैं, दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश तक तमाम केस दर्ज हो रखे हैं। तो ये केस भी झूठे हैं क्या? अगर आपके ऊपर ये सब अंडर प्रोसेस होंगे, तो आपके ऊपर अगर लगा है, तो आप इसको पहले तो रिजाइन करें, और फिर उसके बाद पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, अपने आप को आत्मसमर्पण करें, और न्यायिक प्रक्रिया को, आप जमानत वगैरह लेकर के न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो करें। और दूसरी बात, अगर देखिए, ये जो मोदी जी हमारे बैठे हैं, भारत सरकार बैठी है, उनको चाहिए कि इसको तुरंत यहाँ पर बर्खास्त करें, अगर रिजाइन नहीं कर रहे हैं ये, इनको बर्खास्त करें, क्योंकि अब तो FIR भी दर्ज हो गई है, तो अब तो इनको बर्खास्त करना चाहिए, और बर्खास्त करके इनको सरेंडर करवाना चाहिए, और पुलिस की ड्यूटी है कि इनको तुरंत अरेस्ट करें। ये जिम्मेदारी है न्यायिक प्रक्रिया की, आप जमानत ले लो कोर्ट से, कौन मना कर रहा है? जो आपके पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे कोर्ट हैं, और आप शक्तिशाली हो, पैसे की कोई कमी नहीं है, एक से एक बड़े वकील आप हायर कर सकते हो, तो आप जमानत लो और लीगल प्रोसेस को फॉलो करो।
कानूनी प्रक्रिया। ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो गई है, जो उनकी मांग थी पहलवानों की वो एफआईआर दर्ज हो गई है, आप क्यों नहीं धरना प्रदर्शन छोड़ देते ये लोग? नहीं नहीं, उनकी मांग है, उनको जब तक आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके कहने से नहीं हुई है, आपकी सरकार ने तो करी नहीं है, भारत सरकार ने नहीं करी है एफआईआर दर्ज, दिल्ली पुलिस ने नहीं करी, ये तो मान्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है तब जाके आई वॉश करने के लिए तुमने ये एफआईआर तो दर्ज कर दी है, लेकिन आपने अभी तक कोई एक्शन नहीं किया, आपने उनको जेल क्यों नहीं भेजा अभी तक? जी दो दिन पहले देखिए ये चारों तरफ घूम लिया, हो सकता है पीटी उषा जी का मैं भी बहुत सम्मान करता हूँ, जब हम थे उस समय अपनी जवानी में तब वो दौड़ती थी, उनको उड़न परी कहते थे, उन्होंने भी इस देश के लिए बहुत सारा काम किया, तो हो सकता है पीटी उषा जी को जानकारी ना हो, क्योंकि अनुराग ठाकुर खुद खेल मंत्री इनसे मिलने आए थे और खुद इनसे मिल के बात की है, और उसके बाद ये उठे थे, अनुराग ठाकुर की बात मान के ये उठे थे, कमेटी गठित हुई थी जिसको 3 महीने के अंदर इनको रिपोर्ट पेश करनी थी भारत सरकार को, और वो अभी तक हुआ नहीं प्रोसेस, तो शायद पीटी उषा इस बात से अनभिज्ञ होंगी, उनको पता नहीं होगा कि ये तमाम प्रोसेस पूरा कर चुकी हैं, सबसे मिल चुकी हैं, ये उसके बाद मजबूरी में होकर के फिर ये दोबारा से इनको पुनः बैठना पड़ा धरने पे, इस बात की जानकारी नहीं होगी। नहीं नहीं देखिए ये सब बेकार की बातें हैं, इस समय पहली प्रायोरिटी ये है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है सुप्रीम कोर्ट के कहने से, और अगले हफ्ते डेट है, चीफ जस्टिस ने खुद कहा है, ये बड़ी बात है कि मैं खुद मॉनिटर करूंगा, आप इसमें एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करें, अब पुलिस दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है, अगर अपनी इज्जत बचानी है तो तुरंत इसको अरेस्ट करें, गिरफ्तार करें, और भारत सरकार की जिम्मेदारी ये है कि भारत सरकार को इसको डिसमिस करना चाहिए, अगर वो नहीं रिजाइन करते हैं तो उनको डिसमिस करके और उनको अरेस्ट करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को देखिए एफआईआर कराने के न्याय लेने के लिए सर वो तो आप देख ही लो ना उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, सीधे गोली मारो, मुख्यमंत्री ने कह दिया कि कोई भी कोर्ट की जरूरत नहीं है, से कोई जज की जरूरत नहीं है। देखो मैं कल पढ़ रहा था, मैं एक टीवी चैनल पे बोल रहा था, ये हुआ था 1919 में जब रॉलेट एक्ट आया था भारत में, तब सीधे किसी आदमी को जज को और पुलिस को सीधी थी कि अरेस्ट करो, ना कोई सुनवाई, ना कोई गवाही, ना कोई वकील, ना कोई दलील, सीधे जेलों में टूसो। वही अब ऐसा हो गया कि आपको अरेस्ट करके आपको सीधा वहाँ उनको कोर्ट के सामने नहीं ले जाना, आप इनकी गाड़ियाँ पलट दो, इनको गुंडों से मरवा दो, गोलियाँ चलवा दो, और फिर हमारा जो गोदी मीडिया है वो बैठ करके सरकार की वाई वाई कर रहा है, सीधा संविधान के विरुद्ध ये सब काम हो रहा है, इस देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम के विरुद्ध, न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध ये काम हो रहा है, और इसीलिए ये शायद गुंडागर्दी करके बैठे हैं कि भैया एफआईआर दर्ज हो गई है, अब तुम वो इन्वेस्टिगेशन करो, मैं नहीं छोड़ूंगा पद, ना मैं अरेस्ट होऊंगा, क्योंकि घर की सरकार है, जो ये कह देंगे वही ठीक होगा, जिसको कह देंगे दोषी वो दोषी, जिसको कह देंगे गुनहगार वो बेगुनाह, उसको बेगुनाह हो जाएगा, तो इनके साथ जो लोग हैं वो बेगुनाह हैं, 38 यहाँ लिस्ट लगी है देखो पीछे आपके, उन्होंने लगाया पूरे कितने केस हैं इस आदमी के ऊपर, इसकी तो गाड़ी तुरंत पलट जानी चाहिए थी, कल रात को ही गाड़ी पलट जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक गाड़ी पलटना तो दूर, उसने रिजाइन भी नहीं करा, बड़े अफसोस की बात है। देखिए वो तो मांग कर रहे हैं, कमजोर पक्ष है, महिला है, सबसे मुख्य बात है महिला, कमजोर पक्ष है, और भारत के संविधान में महिलाओं को बहुत कमजोर पक्ष के नाते बहुत अधिकार दिए हुए हैं, उन अधिकारों के चलते, उन मूल अधिकारों के चलते।